वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग आज के इस लेक्चर नंबर वन में हम लीनियर जबरा के कोर्स को मजीद बढ़ाते और आज के इस लेक्चर में सब स्पेस जो कि हमने स्टार्ट किया था उसी एक्सरसाइज नंबर सिक्स पॉइंट टू को मजीद बढ़ाते हैं चलिए बढ़ते हैं जैसे प्रॉब्लम नंबर लेट सपोज यू टू जीरोस यू वी दो वैक्टर हैं इन आर क्यूब आर क्यूब का मतलब ये हमारे पास थ्री प्लेन में है एक्स वाई जेड में एन लेट कैपिटल डब्ल्यू बी सबसेट ऑफ आर क्यूब जो कैपिटल डब्ल्यू है हमारे पास इसी आर क्यूब का क्या है सबसेट है form, a, B, कौन कौन से वेक्टर है इसमें इसमें जो वेक्टर का पारमेट हो हमारे पास ए का पारमेट में होना चाहिए तो इसकी सोल्यूशन किताब जाने बहम बढ़ते यू uh, और okay, V हमें एगे है मैं कहता हूँ कि लेट सपोज डब्ल्यू वन इज इक्वल टू ए वन यू प्लस बी वन बी एंड डब्ल्यू टू इज इक्वल टू ए टू यू प्लस बी टू वी बी टू वी बी द टू वैक्टर्स एन आर क्यूब तो वेक्टर एडिशन लाइव अप्लाई करेंगे क्योंकि सब स्पेस की बात हो रही है तो दोनों वेक्टर को ऐड कर लेंगे तो डब्ल्यू वन एडिशन विद डब्ल्यू टू तो क्या हो जाएगा ए वन यू प्लस बी वन वी ए वन बी वन ए टू बी टू हमारे पास रियल नंबर रहेगी वन ए वेक्टर एडिशन विथ ए टू यू प्लस बी टू वी इसको ऐड कर ले तो ए वन प्लस ए टू टाइम्स यू देन क्या हो जाएगा प्लस b1 वन प्लस बी टू टाइम्स हम आ जाएगा तो हमारे पास w1 वन वक्ट एडिशन विथ डब्ल्यू टू ये जो दो वैक्टर्स आ गए ये हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं किस चीज़ में इसी गिवन सेट ऑफ वैक्टर में ए यू एंड बी वी में तो ये हमारे पास क्या है वैक्टर एडिशन ला होल्ड कर रहा है इसी केस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन ला क्या है कि इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें के, करे? के इन स्केलर मल्टीप्लाई विथ डब्ल्यू वन सो दिस विल बी के या सी कुछ भी हो सकता है तो के डॉट डब्ल्यू वन क्या है ए वन यू प्लस बी वन बी तो के मल्टीप्लाई करें के ए वन यू प्लस के बी वन बी तो ये भी हमारे पास बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में ये के ए वन यू बिलोंग कर रहा है ना सिर्फ के हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया फिर तो वही है ए वन यू बी वन बी तो वही चीज़ें सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर इसके साथ आ रहा है दैट बिलोंग्स टू डब्ल्यू हे द स्केलर मल्टीप्लिकेशन लॉ होल्ड्स

which of the following subsets of the vector space M23 are the subspaces set of all matrices of the form keh rahe ki hamare paas which of the following subset jo given subset aapko given hai isme kaun se hamare paas vector space jo vector space hai hamare paas which of the following subset of the vector space are subspaces जो वेक्टर स्पेस गिवन है इसमें हमारे पास कौन से subset है जो कि हमारे पास क्या हो subspaces हो सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म मैट्रिसेस गिवन है पार्ट ए में ए बी सी डी जीरो जीरो मेट्रिक्स क्यों बने कंडीशन बी जीरो टू ए प्लस सी है तो देट सपोज मैं पहला जो वेक्टर है उसको मैं मन लेता हूँ ए वन एंड देट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स सो देखिए ये क्या हो जाएगा ए वन बी वन तो बी वन की जगह ए प्लस सी कंडीशन क्यों बने तो ए वन प्लस सी वन अवर ये सी वन अपनी जगह पर ई डी वन अवर ये जीरो जीरो ये ए वन हो गया फिर ए टू लेते हैं ए टू क्या हो जाएगा ए टू बी टू की जगह ए टू प्लस सी टू आ जाएगा एंड देन सी टू देन डी टू एंड देन जीरो एंड देन जीरो वैक्ट रेडिशन लाइ अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा ए वन वैक्ट रेडिशन वित ए टू दिस विल बी ए वन प्लस ए टू सही है देन ए वन प्लस ए टू हो जाएगा एंड देन दरम्यान में प्लस लगाते हैं और सी वन प्लस सी टू हो जाएगा एंड देन सी वन प्लस सी टू हो जाएगा दैन डी वन प्लस डी टू हो जाएगा दैन ज़ीरो हो जाएगा और दैन ज़ीरो तो ये हमारे पास बिलोंग कर रहा है डब्ल्यू में मतलब वेक्टर एडिशन ला किया है होर्स पार्ट पार्ट नंबर ए स्केल मल्टीप्लिकेशन ला को चेक करें तो के ए वन हम मालूम करेंगे तो के मल्टीप्लाई करें ए वन के साथ सो के ए वन के ए वन प्लस के सी वन देन के सी वन के डी वन एंड देन जीरो एंड जीरो भी बिलोंग कर रहा है किस में सब स्पेयर डब्ल्यू में दोनों कंडीशन होर्स कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि विच आर दब सबसेट ऑफ स्पेस थ्री आर दब स्पेस तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर में पार्ट ए है इसमें जो एम टू थ्री है वेक्टर स्पेस तो एम टू थ्री हमारे पास क्या है सब स्पेसिस पार्ट टू में देखे मेट्रिक सेम है ए बी सी डी जीरो जीरो है लेकिन कंडीशन सी ग्रेटर देन जीरो है तो मैं लेट सपोज इसको कुछ भी देता हूँ लेट सपोज द मैट्रिक्स ए इज ए को मैं क्या देता हूँ वन लेट सपोज बी को मैं टू कहता हूँ और सी को मैं क्या कहता हूँ थ्री कहता हूँ और ए डी ए डी को लेट सपोज मैं फोर मानता हूँ एंड जीरो जीरो ये मैट्रिक्स है सही है ए बी सी डी को रियल नंबर दे, दे दिए अब मल्टीप्लिकेशन ला लगाओगे तो इसके साथ कौन से मल्टीप्लाई करोगे कौन सा माइनस थ्री लेता हूँ माइनस थ्री इसके साथ मल्टीप्लाई करें सो तो माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस नाइन माइनस ट्वेल्व जीरो, जीरो जीरो आ जाएगा मैंने क्या किया वही कहाँ से मल्टीप्लाई किया माइनस थ्री ले लिया इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया अभी तो ठीक स... है ये तो हो सकता है ए माइनस हो सकता है बी माइनस हो सकता है लेकिन जो सी है वो माइनस नहीं हो सकता है। क्यों कंडीशन क्यों नहीं सी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो लेकिन जब हमने उसके साथ एक आंसर मल्टीप्लाई किया इसके मल्टीप्लिकेशन ला मतलब एक वो तो नगेटिव आ गया सो माइनस नाइन ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है इसी केस में हम कह सकते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लीकेशन डज नॉट होल्ड इफ इट इज नॉट होल्ड हम कह सकते हैं कि जो एम टू थ्री है सब स्पेस इन केस ऑफ पार्ट बी पार्ट सी को देखें इसको खुद कर ले ये भी हमारे पास सब स्पेस है ला चेक करें मल्टीप्लीकेशन ला चेक करें दोनों होल्ड करेगा तो मतलब ये हमारे पास क्या है दिस इज अब स्पेस अब प्रॉब्लम नंबर की जाने पड़ता है ये भी रिलेवेंट है विद द प्रॉब्लम नंबर सिक्सटीन

लेट्स सपोज सी को मैं जीरो देता हूँ क्या देता हूँ जीरो ए मेरे पास इख्तियार है सारे रियल नंबर है सी को मैंने जीरो दे दिया तो ए क्या हो जाएगा वन हो जाएगा बाकी जो है ना बी को भी मैं लेट्स सपोज जीरो लेता डी को भी जीरो लेता हूँ ई e को भी लेता हूँ एफ को भी लेता हूँ सही ये मैट्रिक्स आ गया अब मल्टीप्लीकेशन ला इसके ऊपर अप्लाई कर दें तो ये एंट्री ये एंट्री ये एंट्री ये एंट्री, एंट्री हमारे पास इफेक्ट नहीं हो सकता लेकिन ये इफेक्ट हो सकता है लेट्स से मैं सी देता हूँ सी सी डॉट ए मल्टीप्लीकेशन ला है ना C को मैं टू मान लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा टू जीरो 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 तो ओरिजिनल सब स्पेस का जो मैट्रिक्स है वो ये है दिस बिलोंग्स टू W सही है बिलोंग्स टू W लेकिन आप ये चेक करें तो ये बिलोंग नहीं करेगा क्यों टू इज नॉट इक्वल टू वन हैंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन डज नॉट डज नॉट होल्ड बिकॉज दिस डज नॉट बिलोंग टू W मल्टीप्लीकेशन ला होल्ड नहीं कर रहा क्या है जीरो 0 ले लें बी बी जीरो ले लें सी जीरो ले लें तो जीरो ही आ गया अब अगेन इसमें देखें यहाँ पर वन है ये इफेक्ट हो सकता है इसी से लेट सपोज आप टू ले थ्री ले लें ले, माइनस वन ले ले इफेक्ट होगा ये हमारे पास बिलोंग नहीं करेगा डब्ल्यू में अगर इसके लिए मल्टीप्लीकेशन ला होल्ड नहीं कर रहा हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एम टू थ्री है दैट इज अ सब स्पेस ऑफ वो एम टू थ्री इज स्पेस नार्ट थ्री में देखे ए बी सी डी ई एफ मेट्रिक से वी आर ए प्लस सी जीरो मेरे सपोज ए वन लेता हूं क्या हो जाएगा ए वन B1, C1 की जगह क्या जाएगा आ जाएगा यहाँ से माइनस ए आ जाएगा B1, E1, F1 की जगह से माइनस बी वन माइनस डी इसको रिअरेंज करे तो F की जगह माइनस बी माइनस डी तो F की जगह माइनस बी वन माइनस डी ये A1, A2 क्या हो जाएगा A2 B2 बी टू माइनस ए टू डी टू ए टू माइनस बी टू माइनस डी टू लाई करे ए वन वैक्ट रेडिशन विध ए टू बिलोंग करेगा डब्ल्यू में जो ला होल करेगा फिर कोई स्केलर सी मल्टीप्लाई करेगी वन ए वन के साथ वो भी हमारे पास क्या करेगा बिलोंग करेगा डब्ल्यू टू में दोनों ला होल करेगा फिर हम कह सकते हैं कि एम टू थ्री क्या होगा एम टू थ्री आर दब स्पेसिस इन दिस पार्ट नंबर सी तो ये साफ प्रॉब्लम नंबर सेवनटीन प्रॉब्लम नंबर 18 की जाने बढ़ते हैं ऑफ़ N, N N, N मतलब है जो मैट्रिक्स होगा हमारे पास एन क्रास आर्डर का होगा मतलब एक मैट्रिक्स होगा पार्ट ए में है N N कि हमारे पास क्या सब स्पेस है, है ये सबसेट या नहीं है एम टू थ्री एम एन एन का सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं हम दो वेक्टर लेते हैं एक ए और दूसरा वेक्टर बी लेते हैं इन फॉर्म ऑफ है

करना हमने क्या है पहला जो हमारे पास अब स्पेस के लिए ला है वो वैक्टर एडिशन है तो ये दो वैक्टर मैंने मान लिए है तो ए प्लस बी हो जाएगा वेक्टर एडिशन और अगर इसको ऐड करोगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा दो मैट्रिक्स अगर आप ऐड करोगे तो रिज़ल्ट एक मैट्रिक्स आएगा उसको मैं लेट सपोज सी का नाम देता हूँ सी सही अब एक की जगह मैं लेता हूँ ए की जगह ए आई जे प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा बी आई जे एंड दिस इज इक्वल टू कैपिटल सी की जगह सी आई जे आ जाएगा अब ए आई जे की जगह अगर आप करें ए जे आई लिख सकते हैं ना इसके मुताबिक क्योंकि सैट्रिक मैट्रिक्स है प्लस इसकी जगह बी जे आई तो ये क्या हो जाएगा सी आई जे अपनी जगह पे तो ये अगर ए ए आई जे प्लस बी आई जे ये बराबर है सी आई जे का तो ए जे आई प्लस बी जे आई बराबर हो सकता है सी जे आई का तो मैं कहता हूँ कि ए जे आई लस बी जे आई ये बराबर होगा किस चीज़ का सी जे आई का तो इससे हम ये अखज़ कर सकते हैं कि अगर दो वेक्टर को अगर आप ऐड करोगे तो रिजल्ट एक वेक्टर आएगा एक दो वेक्टर हैं इन हम अपने मैट्रिक्स मेट्रिक्स रिजल्ट एक वेक्टर आ रहा है मैट्रिक्स में तो ए आई जे प्लस बी आई जी एर इसके बराबर है तो ए जे आई प्लस बीजे आई इसके बराबर होगा तो मतलब ये दोनों हमारे पास क्या है सेटिसफाई हो रहा है हम कह सकते दूसरा ला क्या है दूसरा ला ये है कि इसके साथ एक कॉन्स्टर्ट मल्टीप्लाई करते हैं लेट्स सपोज कांस्टेंट के है और किस चीज के, मस... के साथ ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई करोगे किसी मैट्रिक्स के साथ तो रिजल्ट क्या आएगा एक मैट्रिक्स आएगा सपोज ई e में, में मानता उसको तो ये क्या हो जाएगा एक जगह ए आई जे दिस विल बी ई की जगह स्मॉल ई आई जे हो जाएगा इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं ए जे आई से क्योंकि मैट्रिक्स है तो ये हो जाएगा के ए जे आई ई आई जे हो जाएगा अभी के ए जे आई है ना तो ये हम इस तरह ई जे आई भी ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास से है ए जे आई विल भीक्वल टू वाट ई जे आई तो अगर ई एस के बराबर है क्या है अगर के आई जे बराबर है ई आई जे का तो के जे ए जे आई बराबर होगा ई जे आई का अगेन ये दोनों तो साइट हमारे पास क्या है सेटिसफाई हो रहे है हम कह सकते स्किल मोटिफिकेशन ला ऑल्सो होल्ड्स इन दिस केस दोनों रा होल्ड कर रहा है हम कह सकते हैं कि जो एम एन एन है हमारे पास पार्ट नंबर ए में देट आर द दबस्पेसेस सो हम कह सकते हैं कि एम एन एन आर अब पार्ट बी को देखते हैं पार्ट नंबर बी की जाने बढ़ते हैं सेट ऑफ आल एन क्रॉस एन नॉन सिंगुलर मेट्रेसेस तो वेक्टर एडिशन ला इसमें होल्ड करेगा एक वेक्टर आप ले ले नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मेंट जीरो के बराबर नहीं हो दूसरा मैट्रिक्स भी ले ले जो हमारे पास जो कि नॉन सिंगुलर हो डिमेंट जीरो के बराबर ना हो दोनों को एड कर रिजल्ट एक तरह मैट्रिक्स आना चाहिए जो कि हमारे पास नॉन सिंगुलर हो तो वो आएगा वेक्टर एडिशन ला होल्ड करेगा स्केले मल्टीप्लिकेशन ला में मसला कहाँ पे आता है हमारे पास मसला इस तरह आता है कि सपोज ए आपके पास है एम एन एन है सपोज मैं लेता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई चूंकि एन एन मैट्रिक्स है तो आपके पास क्या हो जाएगा स्क्यर मैट्रिक्स होगा या टू क्लास टू थ्री क्लास थ्री फोर क्लास फोर मैं थ्री क्लास थ्री मान लेता हूं अब आप क्या करें इसके साथ जीरो मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा जीरो टाइम्स ए क्योंकि स्केलर मल्टीप्लीकेशन ला में तो यही है कि आपके कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई करोगे कुछ भी हो सकता है मैं जीरो लेता हूँ जीरो मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपके क्या आएगा जीरो आएगा तो जीरो तो आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है बल्कि सिंगुलर मेट्रिक मल्टीप्लीकेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस केस ड नॉट बिलोंग टू डब्ल्यू अगर बिलोंग नहीं करेगा डब्ल्यू में थोड़ा मल्टीप्लीकेशन लावोल्ड नहीं कर रहा अगर नहीं कर रहा तो एम एन इज नॉट असेस इन दिस केस एम एन एन इज नॉट स्पेस सेम प्रॉब्लम नंबर एटीन का पार्ट सी है सेट ऑफ आल एन क्रॉस एन डाइगने के लिए चेक करें तो मैं लेता हूँ ए वन इज इक टू थ्री क्रॉस अगेन में लेता हूँ ए वन बी वन सी वन ये जीरो 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 ये डायगनल मैट्रिक्स ए वन हो गया ए टू ले लें विच विल बी ए टू बी टू सी टू ज़ीरो ज़ीरो जीरो 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 ज़ीरो डायगनल का मतलब ये कि डायगनल पे नॉन जीरो एंट्री होने चाहिए और इसके अलावा नॉन डायगनल पे जीरो हो एंट्रीज होंगे एड करे एडिशन ला के मुताबिक ए वन वेक्टर एडिशन विद ए टू ये क्या हो जाएगा ए वन प्लस ए टू बी वन प्लस बी टू सी वन प्लस सी टू देन जीरो ज़ीरो 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 एंड देन ज़ीरो तो ये बिलोंग कर रहा है न W में अगर ये W है बिलोंग कर रहा बिलोंग कर रहा है ये कर रहा है क्योंकि ये तो W का हमारे पास वक्टर्स है ना अगर ये बिलोंग कर रहे तो इसका जो एडिशन आएगा वो भी क्या करेगा बिलोंग्स टू W करेगा तो पहला वेक्टर एडिशन लाहौर हाउ कर रहा है दूसरा क्या है के टाइम ए वन है मतलब स्केलर टाइम्स दे वन वैक्टर तो ये क्या हो जाएगा के मल्टीप्लाई करे तो के ए वन के बी वन के सी वन जीरो 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 ज़ीरो 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 तो ये अगर ए वन लाइक कर रहा है डब्ल्यू में इसके साथ स्केलर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर भी बिलोंग करेगा ना जस्ट सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर इसके साथ आ गया फिर भी बिलोंग करेगा बिलोंग्स टू डब्ल्यू स्केलर मल्टीप्लीकेशन ला होल्स अगर होल्ड्स कर रहा है दोनों लास हेंस वी कैन सेल इट एम एन एन आर वाट हो दीज आर सब स्पेसेस तो so, इसके बाद जो लेक्चर हम स्टडी करेंगे उसमें प्रॉब्लम नंबर 19 से आगे बढ़ेंगे और प्रॉब्लम 19 बिल्कुल इसी के साथ रिलेवेंट है तो उसके साथ हम क्या क्या करेंगे आगे इसी एक्सरसाइज़ को बढ़ाएंगे सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर